पढ़ेंगे कक्षा 9 जीव विज्ञान पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप जगत को निम्नलिखित चार लक्षणों के आधार पर पांच उपजगतों में विभाजित किया गया है। पादप जगत को पांच उप जगत में विभाजित किया गया है। पहला, शारीरिक या संरचनात्मक जटिलता। दूसरे शब्दों में पादप शरीर की प्रमुख घटक पूरी तरह से विकसित और विभेदित होते हैं अथवा नहीं होते हैं। दूसरा है जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए, जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतकों का विकास, बीज धारण क्षमता का विकास। चौथा, बीज धारण क्षमता की विकास। अब हम पढ़ेंगे पादप जगत को निम्नलिखित पांच प्रभागों में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। थैलोफाइटा के अंतर्गत रिसिया मार्केंसिया को रखा गया है। थैलोफाइटा स्पायरोगायरा यूलोथिक्स क्लेमाइडोमोनास जो है अथवा अल्वा कारा ये सब को जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इन पादपों में जड़ व पत्तियां नहीं होती हैं, इसी कारण इनका शरीर जो है थैलस के आकार का होता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत वे प्राणी आते हैं जिनमें जो है तना व जड़ व पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, उनका शरीर जो है थैलस के आकार का होता है। आगे जो है दूसरा है इनमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता है। इनमें जो है ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता। विभेदीकरण का अर्थ यह होता है भिन्नता। अगला, ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। जो थैलोफाइटा संघ की प्राणी हैं वह जो है मुख्यतः इनका निवास स्थान जो है जल होता है। इन वर्ग के पौधों को शैवाल कहते हैं। जो इन वर्ग का पौधा है इस जो थैलोफाइटा वर्ग है, थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है शैवाल आते हैं। जैसे स्पायरोगायरा क्लेमाइडोमोनास यूलोथिक्स और अल्वा कारा ये सब जो है थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत आते हैं। अब है दूसरा है ब्रायोफाइटा। पहला जो हम पढ़े थे थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का जो है प्रमुख विशेष लक्षण है, इसकी विशेषता है, इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। जो थैलोफाइटा है इनका शरीर जो है अधिक जटिल होता है। इनमें तना और पत्तियों की संरचना जैसी पाई जाती है। इनमें जो है तना और पत्तियां जो है की समान संरचनाएं उपस्थित होती हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास होते हैं, जो मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अगला है, इनके शरीर में अवशोषित जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक उपस्थित होता है, जाइलम फ्लोयम उपस्थित होता है। ब्रायोफाइट्स नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो है नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, इसी कारण इन पादपों को उभयचर कहा जाता है। जैसे रिसिया मार्केंसिया तथा मास आदि इसके अंतर्गत आते हैं।
ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रेशिया, मार्किंसिया और जो है ये फ्यूनेरिया आते हैं। अगला है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनकी विशेषता क्या है, टेरिडोफाइटा की विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं टेरिडोफाइट्स की क्या विशेषता है। ईश्वर के पादपों में जड़ तना व पत्तियां अस्पष्ट रूप से दिखाई देती। इन संघ के जंतुओं, इन संघ के पौधों में जड़ तना पत्तियां अस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इनमें संबंध ऊतक में जाइलम, फ्लोएम आदि पाए जाते हैं। इनमें पुष्प, फल व बीज का भी निर्माण होता है, जैसे सिलेजनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम आदि जो है फर्न आदि जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म संघ की यह विशेषता है कि इनमें बहुवर्षीय सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें जड़ तना पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। संवहन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये नग्न बीजी पौधे होते हैं। इनके जननांग शंकु के आकृति के होते हैं। इन्हें नग्न बीजी पौधों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पाइनस और साइकस, चीड़ और देवदार में जो है बीज जो है नग्न होते हैं, नंगे होते हैं। उनको जो है उसमें एक कोन होता है, उसी कोन के अंदर जो है वह बीज लगे रहते हैं। अब है जिम्नोस्पर्म हो गया। अगला है एंजियोस्पर्म जो है यह पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं। यह एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं। इनमें जड़ तना व पत्तियां वास्तविक रूप में पाई जाती हैं। इनमें पुष्प, फल और बीज पाए जाते हैं। यह सब जो है एंजियोस्पर्म, ये आवृतबीजी पौधे भी कहलाते हैं। जो एंजियोस्पर्म है वह जो है आवृतबीजी पौधों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें बीज अंडाशय के अंदर परिपक्व होता है या बनते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उनको पुष्पी पादप के नाम से भी जाना जाता है। बीजों में बीजपत्र होता है और एंजियोस्पर्म यह जो है दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का अर्थ यह होता है कि जिनमें एक ही बीजपत्र होते हैं उनको हम एक बीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब क्या हैं एक बीजपत्री, ज्वार है, ये सब जो है एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। और द्विबीजपत्री पौधे क्या हैं, द्विबीजपत्री पौधे जिनमें द्विबीजपत्र होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं, उसमें समस्त दलहनी फसल आती है। जितने भी दलहनी फसलें हैं सब द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे यह जो है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में अंतर। तो ब्रायोफाइट्स मुख्यतः पौधे में थैलस होता है, और इसमें थैलस जो है नहीं होता है, इसमें जड़ तना और पत्तियां होती हैं। संवहन ऊतक इसमें नहीं होता है, और टेरिडोफाइट में संवहन ऊतक पाया जाता है।
पौधे भूमि से मूलाग्र द्वारा स्थित होते हैं और इसमें जो है पौधे स्त्रीकरण के लिए अस्पष्ट जड़ें उपस्थित होती हैं। ये जब सब जो है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में अंतर है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है? एक बीजपत्री की जड़ें जो है झकड़ा जड़ होती है, द्विबीजपत्री की जड़ें जो है मूसला जड़ होती हैं। एक बीजपत्री की पत्ती जो है वह उसमें शिराभिन्यास समांतर होता है और द्विबीजपत्री में जालिकावत होता है। एक बीजपत्री का जो तना है जो है सीधा रेक्ट होता है और द्विबीजपत्री का जो है तना जो है शाखान्वित होता है। और इसमें जो है संवहन बंडल में एधा का अभाव होता है और द्विबीजपत्री में संवहन बंडल में एधा का अभाव नहीं होता है। यह सब जो है अंतर है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। तो इस तरह से हम पढ़ लिए क्या एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में अंतर। अगला है आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों में अंतर। आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों में क्या अंतर है? यह ये पादप पुष्पहीन होते हैं और अनावृत बीजी पौधे में आवृत बीजी पौधे यह जो है इसमें पुष्प पाए जाते हैं। बीज नग्न होते हैं और वह जो है फल बीज जो है उसमें आवृत बीजी में बीज जो है फल के अंदर उपस्थित होते हैं। दूसरा, इनमें निषेचन एकल होता है और इसमें निषेचन जो है दोहरा निषेचन होता है। भ्रूणपोष निषेचन की पहले बनता है आवृत बीज अनावृत बीज पौधे में और इसमें जो है भ्रूणपोष निषेचन की बाद बनता है। यह सब जो है आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों में अंतर है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या अंतर है? थैलोफाइटा में सुखाए पूर्ण रूप से थैलस बनाता है और इसमें जो है जड़ तना तथा पत्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अगला, संवहन बंडल नहीं होता, उसमें संवहन